सो गाइस, यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत ही प्यारा व्यू है। और यहीं पर मैं आपके साथ ना पूरे ट्रिप का कुछ एसेंशियल डिटेल्स शेयर करूँगा, क्योंकि आगे मौका मुझे हो सकता है ना मिले एयरपोर्ट पे, नेक्स्ट अच्छा से समय मिलेगा बात करने का। बट इस व्यू के साथ मेरे इस दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जो शुरुआत से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कमिंग फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर कमिंग टू वियतनाम, जो चीज़ आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू करेंसी। करेंसी आपको देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा अभी तक, कि अगर आपके पास ग्लोबल कार्ड है जहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आप ग्लोबल कार्ड लेकर आइए और ग्लोबल कार्ड से ही ट्रांजैक्शन कीजिए सीधा अपने अकाउंट में। जैसे SBI ग्लोबल कार्ड अगर आपके पास है, तो आप जो लिमिट वहाँ पर इंडिया में यूज़ करते हैं, सिमिलर लिमिट का आप यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज़ 40,000 अगर आप निकालेंगे पर डे लिमिट है, तो उतना इक्विवेलेंट वियतनामीज करेंसी में, डोंग में आपका करेंसी निकल जाएगा। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, कुछ डॉलर अगर है तो रख लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर एक्सचेंज कराने में आपको काम आ सकता है अगर एयरपोर्ट पर ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया तो। 100-150 डॉलर अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और डॉलर टू डोंग बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है। तो या अगर आप थाई भाट में भी निकालते हैं तब भी, पता है मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छा रेट मिल गया था, थोड़ा सा करेंसी का डिफरेंस होता है, 20-30 रुपये का 40 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो इट्स मैनेजेबल। और कभी भी डोंग इंडियन रुपीज़ से डोंग में कन्वर्ट मत कराइएगा, एंड देन क्योंकि वहाँ पर करेंसी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। जब करेंसी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होती है तो जो मार्जिन होता है जो ये करेंसी एक्सचेंज वाले निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने 15,000 का मैंने एक बार ट्राई किया दिल्ली में, कि 15,000 का करेंसी एक्सचेंज करवा लेता हूँ डोंग में, 3,000 रुपये का मार्जिन था, मतलब मुझे सिर्फ 12,000 रुपये की इक्विवेलेंट का डोंग मिलता और 3,000 उनका कमीशन हो जाता। तो ये काम कभी मत करना कि आप डायरेक्ट रुपी से डोंग में निकलवाना, आइदर डॉलर या फिर यहाँ पर आके करेंसी एक्सचेंज करा लो, बेस्ट आई मीन ट्रांजैक्ट करा लो, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, करेंसी की डॉलर है, कितना डॉलर रखे हो या नहीं रखे हो, कितना लेके जा रहे हो कोई नहीं पूछेगा। सो ये सब चीज़ें ना सुपर स्मूथ थी दिल्ली एयरपोर्ट पे भी, और जब मैं वियतनाम पे लैंड किए हम लोग हनोई एयरपोर्ट पे, तब भी ये चीज़ें बहुत ही प्यारी थी। मतलब बिल्कुल एक मिनट में वहाँ पर भी इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ, बस स्टैम्प लगा, चेहरा देखा, बस हो गया और फिर यू आर फ्री टू गो। सेकेंड चीज, अब जब आप एयरपोर्ट पे आओगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कि बहुत फास्ट आपका वीज़ा इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं, बस आपका पासपोर्ट देखा और आपका वीज़ा देखा, स्टैम्प लगा, बस हो गया, इट्स लाइक 2 मिनट प्रोसेस। तो कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, दिस थिंग। तीसरी चीज़, क्या आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए? नहीं चाहिए। वियतनाम के लिए कुछ ऐसा भी नहीं कि मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत होता है। ब्लॉग पोस्ट में आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब अभी ये 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ के करेंसी के लिए आपको यहाँ के वीज़ा के लिए आपको यहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, 6 लाख का या 2 लाख का, 10,000 डॉलर का मैंने बहुत जगह पढ़ा था। इवन आई वॉज स्केप्टिकल कि मुझे ख़रीदना पड़ेगा, बट इट्स नॉट द केस। तो ये हो गई बात आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की। जब आप वियतनाम एयरपोर्ट से निकलोगे तो जो बस आपको पकड़नी है वो बस नंबर 86 है, जो रेलवे स्टेशन ओल्ड क्वार्टर की तरफ लेकर आती है, ओल्ड सिटी की तरफ। दूसरा 119 बस भी है, लेकिन पता नहीं वो किस एरिया में उतारती है, हमें कन्फ्यूजन था। तो हमने क्या किया था कि शेयरिंग में एक इटालियन बंदे के साथ, जैसा मैंने आपको दिखाया, हमने 3 लाख डोंग में हमने एक फॉर्चुनर आई थी शायद वो कार थी, और उससे हम आ गए थे ओल्ड क्वार्टर। तो 100,000 पर पर्सन उसने लिया था। अगर आप 4-5 लोग इकट्ठे होकर भी आ जाते हो, देन इट्स ओके, 300 रुपये ऑलमोस्ट 1 लाख डॉन का पड़ा है एक आदमी का। तो और जो बस नंबर 86 है ना, वो 1-1 घंटे पे आती है, ऐसा वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाले ने बताया था। तो दैट इज़ वन थिंग कि आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा कि 1 लाख मतलब आप डोंग खरीदना और बस से आओगे तो दैट इज़ चीपर, काफ़ी सस्ते में वो हो जाता है। तो बट वही है कि उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और कमिंग टू द लोकल ट्रांसपोर्ट, आप कोशिश करो, देखिए ओल्ड पार्ट ऑफ हनोई जो होइन केम लेक का एरिया है, उस तरफ तो आप पैदल भी घूम सकते हो, लेकिन बेस्ट कि यहाँ पे ग्रैब की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो आप ये कोशिश करना कि ग्रैब की सर्विसेज को लो। अगर आप सिंगल हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो मोटर बाइक्स पे भी आप जा सकते हो, दैट इज़ इवन मोर चीपर। और कैब ग्रैब के लिए और फिर फूड डिलीवरीज के लिए भी यहाँ पर ग्रैब काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। हाँ गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी था, सापा जाएंगे या निन बिन जाएं, क्योंकि हनोई
देखिए मेरा ऐसा पर्सनल जो हम आकर एक्सपीरियंस किए, हनोई इज़ अ सिटी, जैसे अन्य सिटीज़ हैं वैसे ही हनोई भी है। नथिंग मच टू डू, मतलब लोकल साइट सीइंग अगर आपको हिस्ट्री में रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाकर हिस्टोरिकल रिलेटेड चीज़ें, पैलेसेस वगैरह देख सकते हैं, या फिर जो भी म्यूज़ियम है, कैथेड्रल है, वो चीज़ें ठीक है। बट असल वियतनाम जो मुझे ऐसा फील आया वो कंटेम्प्रेरी या फिर कह लो आप कंट्री साइड जो वियतनाम का, वो ज़्यादा खूबसूरत है। नाउ जब आप ये सोच रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है इफ़ यू आर इन हनोई। एक तो हैलोंग बॉय मस्ट डू थिंग तो हमने किया ही है। सापा और निन बिन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं बता दूं कि सापा करीब यहाँ से हनोई से 6 घंटे के रास्ते पर है, क्लोज़र टू चाइना बॉर्डर और हिली एरिया है, इट्स लाइक क्लोज टू चाइना बॉर्डर, जहाँ पर आपको ट्रैकिंग अगर करना हो तो आप ट्रैकिंग करने के लिए उस एरिया को यूज़, मतलब उस जगह पर आप जा सकते हैं। इट इज़ मच मोर लाइकली फॉर द पीपल जो लोग ट्रैकिंग वगैरह पसंद करते हैं, थोड़ा सा हिल स्टेशन का फीलिंग चाहते हैं। लेकिन अगर आप सापा जा रहे हैं तो आपको 2 दिन मिनिमम वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा भी है। और जो यहाँ से जितने भी गाइड और लोकल टूर से वालों से पूछा है तो उन्होंने ये भी कहा कि आप 2 दिन से अगर कम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपका शेड्यूल। तो और निनबिन का ऐसा है कि निनबिन आप 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आप दो दिन आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कीजिए निनबिन को। नाउ निनबिन इज़ मोर ऑफ अ कंट्री साइड एरिया, जहाँ पर जैसा भी मैंने आपको दिखाया इट्स पीसफुल साइलेंट, और ये जो एरिया है काफ़ी, मतलब मुझे पर्सनली जिसको नेचर पसंद है, शांति पसंद है, उसको ये ज़्यादा पसंद आएगा। दोनों जगह अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। और बट अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा के प्लान पे आए हैं वियतनाम और आप नॉर्थ वियतनाम को पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तभी आप सापा जा पाएंगे। अगर नहीं तो फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन है निनबिन पर आकर यहाँ पर कंट्री साइड को एक्सप्लोर करना। निनबिन के आस उत्तरांगान जैसे हम गए, या फिर जो यहाँ के आसपास पगोडाज हैं वो आप देख सकते हैं। 1-2 दिन आप यहाँ के होम स्टेज में रहिए, जो टेमकॉक का एरिया है वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ के लोकल क्यूज़ाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप आकर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ इससे होगा क्या कि आपका शेड्यूल हेक्टिक नहीं होगा और भाग दौड़ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हनोई आने के बाद कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो आपको हनोई, जैसे कि आप सापा जाओगे फिर आप निनबिन आना चाहते हो तो हनोई आना ही पड़ेगा, हैलोंग बे गए वापस आपको हनोई आना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ थिंग कि आप प्रूफ फ्लो करते रहोगे हनोई से। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है 1 हफ्ते या उससे कम आप हो तो निनबिन कवर करो, उससे ज़्यादा करो तो सापा को भी इंक्लूड कर सकते हो अपने इटिनरी में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इमिग्रेशन कराकर जब आप एग्जिट हॉल की तरफ जाओगे, आपको बहुत सारे सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको अलग अलग सिम कार्ड जैसे वियतनाम मोबाइल्स, मोबीफोन, वीनाफोन, वियतनाम मोबाइल्स के सिम कार्ड आपको ऑफर किए जाएंगे। एक चीज़ वहां पर मैंने ये देखा कि जो 2 शॉप्स में मैं गया वहाँ पर मुझे 2 प्लान्स बताए गए, एक $10 का, एक $12 का। $10 वाले में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और $12 वाले में कॉलिंग विथ हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। मैंने दोनों शॉप्स पे ऑप्शन प्रेफर नहीं किया, मुझे पता था कि बाहर निकलकर मुझे चीपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। हुआ वैसे ही, जब मैं ओल्ड क्वार्टर में गया तो वहाँ पर मुझे सिर्फ 80,000 डोंग यानी कि 260-270 रुपये के करीब प्राइस पर 10 दिन के लिए मुझे सिम कार्ड मिल गया, जो कि टूरिस्ट सिम कार्ड होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइक पासपोर्ट की कॉपी या एनीथिंग लाइक दैट, और जो कॉलिंग थी वो भी उसमें इंक्लूडेड था। वही दूसरा जैसे वियतनाम मोबीफोन का सिम कार्ड भी था, लेकिन वो 1,60,000 डोंग के आसपास वो बता रहे थे, स्टिल इट इज़ चीपर एयरपोर्ट के मुकाबले। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जब भी वियतनाम जाएँ तो एयरपोर्ट पर वाईफाई का यूज़ करें, वाईफाई कॉलिंग का यूज़ करें, और बाहर निकल कर सिम कार्ड ऑफ करें, आपको काफ़ी चीप ऑप्शंस बाहर में मिल जाएंगे। होटल बुकिंग किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप करवा लोगे तो पहला दिन के लिए सॉर्टेड रहता है कि आपको आके भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेडिकल होटल बुकिंग आप 1 दिन का एटलीस्ट करवा लेना, इसका डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगेगा। जो यहाँ की एज यू लैंड इन वियतनाम तो कहाँ पर रुकना चाहिए, होटल कहाँ पर लेना चाहिए, चीपेस्ट होटल ऑप्शन अवेलेबल होगा आपका ओल्ड क्वार्टर यानी कि हनोई, जो हुएन कैम लेक का एरिया है, जो ओल्ड क्वार्टर का एरिया है, वहाँ पर आपको चीपेस्ट होटल मिल जाएंगे। करीब डॉर्मेट्री तो 300-400 रुपये से शुरू हो जाती है, और जो होटल्स हैं वो करीब 800-900 रुपये के इक्विवेलेंट आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। हमने जो बुक किया था वो करीब 1400-1500 रुपये का बुक किया था। तो ये होटल आपके ऊपर है, आपकी बजट के ऊपर है, आप किस तरीके के होटल।
गाइस, एक बात और रिलेटेड टू यहाँ पर महंगा है चीज़ इंडिया के मुकाबले या सस्ता है, मोस्ट ऑफ द थिंग सिमिलर प्राइस है। जो खाने पीने के सामान हैं पैक्ड गुड्स की मैं बात कर रहा, वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है इंडिया का। मैंने पानी का दिखाया, जो मार्ट में गए थे वहाँ पर खाने का चीज़ जितने भी थे बताएं, सो रिजनेबली सेम प्राइस है ऑलमोस्ट। बस यही है कि यहाँ पर आपको करेंसी इन्फ्लेटेड है तो ज़्यादा अमाउंट में पे करना पड़ता है, बट दैट इज़ इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज़ बहुत हद तक ज़्यादातर चीज़ों का। दूसरा एक और बात जो मैं बताना भूल गया, रिलेटेड टू बुकिंग, अगर आप प्लान कर रहे हैं इंटरनली वियतनाम में घूमने का, बुक टिकट वन डे इन एडवांस कहीं पे भी, बिकॉज एक तो वीकेंड के समय काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और सीट्स अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट बाहर जाते हैं। अब वियतनाम खुल रहा है टूरिज़्म को लेकर, हर दिन बहुत लोग आ रहे हैं घूमने यहाँ पर। एक तो ये कंट्री ज़्यादा महंगा नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में, और यहाँ पर कंट्री साइड चीज़ें बहुत कुछ हैं करने के लिए। तो इसलिए अब जो कोविड का इम्पैक्ट है, जैसा यहाँ के सारे लोग बोल रहे थे, वो अब कम हो गया है। तो खुलेगा, जैसे जैसे खुलेगा लोग ज़्यादा आएंगे और रश बढ़ेगा। तो आप एक दो दिन पहले एडवांस, जैसे हमें दिक्कत हुआ था जब हम निन के लिए टिकट कर रहे थे, मिल नहीं रहा था और लास्टली मिला। सो अगर आप एडवांस बुक कर लेते हो तो एक तो फ़ायदा होता है कि सस्ते मिल जाता है, दूसरा कंफर्म टिकट हो जाता है, डिले नहीं होती आपकी जर्नी अगर आप टाइट शेड्यूल पे आ रहे हो। तो ये एक रिकमेंडेशन रहेगा कि टिकट जल्दी बुक कर लेना। बाकी होटल्स वगैरह का आपको यहाँ पे बुकिंग का दिक्कत नहीं होगा, प्लेंटी ऑफ होटल्स, रेस्ट रूम्स और होम स्टेज, और जो कह सकते हैं आप हॉस्टल या हॉस्टल होता है वो काफ़ी है यहाँ पर, तो उसकी दिक्कत नहीं है। काफ़ी चीप प्राइस से लेकर महंगे में भी मिल जाता है।